हम अब बनारस में छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और आज इस पूजा का दूसरा दिन है। ऐसे में काशी में कई ऐसी चीजें और मान्यताएं हैं जिनको शायद काशी के बाहर लोग नहीं जानते होंगे, और ऐसी ही एक चीज है यहाँ बिक रहे पीतल के सूप। वैसे तो सूपों का पुराने ही समय से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पर वो सूप बांस के बने होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं, जिनके खराब होने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है, पर ये पीतल के सूप सालों साल चलते हैं। और ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ वाराणसी में मिलते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इन्हीं सूपों के एक विक्रेता, आइए बात करते हैं उनसे। जी, आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश जी, हमें ये बताइए कि ये किस तरीके के सूप होते हैं और किस तरह बनाए जाते हैं? ये पीतल के बने सूप होते हैं, इसके चारों तरफ लोहे के तार दिए जाते हैं इसके मजबूती के लिए। ये केवल बनारस में ही बनता है, इसका व्यापार मुश्किल से मुश्किल 2 महीने के लिए ही होता है। यहाँ की सप्लाई सिर्फ बनारस से लेकर पूरे बिहार दिल्ली तक की जाती है। जी, कितने के होते हैं, एक सूप की क्या कीमत होती है और क्या लागत आती है इसको बनाने में? ये 160 रुपये से लेकर नियर अबाउट 450 रुपये तक के होते हैं। इसको बनाने में पीतल के चद्दर लगाए जाते हैं। जी, और क्या खास बात है इसकी, लोग इसको यहाँ से और कहाँ कहाँ लेकर के जाते हैं, काशी से बाहर भी जाते हैं ये सूप? ये काशी से पूरे बिहार जाते हैं, छपरा, सिवान, सारा, बक्सर, सासाराम, ये राजगीर, हर जगह ये बनारस से इसकी सप्लाई होती है। ये बनता है सिर्फ बनारस में ही है। जी, तो ये कुछ खास तरीके के सूप होते हैं जिसमें छठ पूजा से लेकर के कई तरीके की आकृतियां भी बनी होती हैं। छठ मैया को इन्होंने जो है वो हर तरह से इसमें उकेरा जाता है, पूजा से रिलेटेड चीज़ों को। ये सूप सिर्फ और सिर्फ वाराणसी में मिलते हैं, और इसकी खास बात ये है कि ये लोगों को इस पर्व में ही मिलेंगे, इसके बाद या इसके पहले ये यहाँ नज़र भी नहीं आते। अर्णिमा द्विवेदी, ईटीवी वाराणसी।